नमस्कार। न तो मंडल का मुद्दा नया है और न ही कमंडल का। जब से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, तब से ही लालू और मुलायम और उनके बाद अखिलेश और तेजस्वी ने इसे थाम रखा है। वैसे तो नीतीश भी मंडल की ही उपज है, पर उनकी पहचान अति पिछड़ी जातियों को लेकर ज्यादा बनी है। जब देश में मंडल के सहारे राजनीति को साधा जा रहा था, ठीक उसी समय लालकृष्ण आडवाणी कमंडल थामकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगे थे। इतिहास साक्षी है कि कमंडल को कभी वैसी सफलता नहीं मिली जैसा कि मंडल को। यहां तक कि नरेंद्र मोदी कमंडल छोड़कर ही सत्ता तक पहुंचे, हालांकि यह दीगर बात है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद उन्होंने देश के अधिसंख्यकों के हाथों में कमंडल धरा दिया। मंडल के नाम पर राजनीति करने के बाद भी जनता दल कभी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बना सका, और कमंडल की राजनीति करके तो अब तक कोई सरकार बन ही नहीं सकी है। 2014 में मोदी जी यूपीए शासन के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश के सहारे सत्ता में आए थे, न कि कमंडल के सहारे। हालांकि यूपीए के कुशासन के मुकाबले स्वच्छ विकल्प के तौर पर जनता ने उन्हें देखा और अपनाया था, पर तब महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ही उन्होंने जनता का भरोसा जीता था। 5 साल बाद ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को परे करके राष्ट्रवाद और मजबूत राष्ट्र को नया मुद्दा बनाया और उन्हें फिर से कामयाबी मिली। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मार डालता हो। मोदी बखूबी समझते हैं कि भारत जैसे देश में न तो भ्रष्टाचार और न ही महंगाई बड़े मुद्दे के तौर पर लंबे समय तक बने रह सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने सत्ता हासिल करने के बाद कभी परवाह ही नहीं की कि लोग महंगाई या भ्रष्टाचार को लेकर क्या सोचते हैं। मोदी जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस कारण वह हर बार हांडी ही बदल देते हैं। उनके महिमा मंडन के इस दौर में लोग भूल जाते हैं कि हांडी ही तो बदली है, रसोईया तो वही है। अब जब महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों ही मुद्दे पिटे पिटाए हो चले हैं, तो उन्होंने कमंडल को थामने का फैसला किया है। हालांकि इसमें वह मंडल की छोंक भी लगाते रहे हैं, पर मंडल कभी भाजपा का स्वाभाविक मुद्दा नहीं रहा, इसीलिए वह इसे लेकर संशय के घेरे में रहते रहे हैं। साथ ही कमंडल को लेकर उनकी असमंजस भी साफ नजर आती है। वह स्वयं को कभी तो सेक्युलर साबित करना चाहते हैं, जिसके लिए हिंदू मुस्लिम करना किसी अपराध से कम नहीं, पर अगले पल ही वह हिंदू मुस्लिम करते नजर आते हैं।
दरअसल अधिसंख्य आबादी के हाथों में कमंडल थमा देने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं है कि यह कार्ड इतना दमदार है कि उन्हें 400 सीटें दिला सके। और अब तो शायद उन्हें अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता भी दिखने लगा है। ऐसे में उनका एक पैर नाव पर और दूसरा पैर जमीन पर नजर आ रहे हैं। और असमंजस की यही स्थिति अब उनकी पार्टी के लिए भी भारी पड़ने लगी है। वैसे यहां यह कहना जरूरी होगा कि आज की राजनीति में मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिनका अपना वोट बैंक है और जिसमें सेंध मारना किसी अन्य व्यक्ति या दल के लिए मुश्किल हो रहा है। वैसे यह वोट बैंक अब घट रहा है या बढ़ रहा है यह सोचने की बात है। साफ साफ लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड से कहीं ज्यादा भरोसा मोदी को अपने प्रतिद्वंदियों की कमजोरियों पर है और इसीलिए वह हरेक मंच से उनके लिए झूठ सच का ताना बाना बुन रहे हैं। पर चुनावी सभाओं में उनसे एक के बाद एक गलतियां भी होती जा रही हैं और पहली बार विपक्ष उनकी गलतियों को आधार बनाकर उन्हें मात देता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब उन्हें चुनावी सभाओं से भी ज्यादा आसरा इंटरव्यू का है। सब जानते हैं कि इंटरव्यू को बाद में काट छाट कर व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है और इसीलिए इन दिनों वह यही करते नजर आ रहे हैं। कहा तो यह तक जा रहा है कि कमरा उनका, कैमरा उनका, सवाल उनके, जवाब भी उनके। मीडिया वाले बस रोल अदा करने के लिए बुला लिए जाते हैं और बदले में पीएमओ उन्हें बना बनाया प्रोग्राम थमा देता है।